भागलपुर के नाथनगर कलबलिया धार में उफनते गंगा में एक डेंगी नाव डूब गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी व्यक्ति की जान नहीं गई और स्थानीय लोगों और गोताखोरों की सहायता से डेंगी पर सवार सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि डेंगी पर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे कई मवेशी की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि भागलपुर में लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण मिर्जापुर गांव के बाढ़ पीड़ित अपने परिवार के साथ मवेशी और सामान लेकर चंपा नाला नदी पहुंचने वाले थे और गंगा की तेज धार में डेंगी नाव पलट गई। नाव पर करीब 10 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसे स्थानीय लोगों और स्थानीय गोताखोरों की सहायता से सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं हादसे की शिकार एक महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों और डेंगी पर सवार लोगों ने बताया कि सभी सवार नाथनगर मिर्जापुर और नया टोला के निवासी थे। हादसे की खबर मिलते ही नाथनगर थाना इंस्पेक्टर सज्जाद हुसैन मौके पर दल बल के साथ पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुट गए। यहाँ भी उतरती है, बस ये घूमने ला भिजवा है, बस ये तू घिंची लड़का है, बस यहाँ पे हमें भी बजरी ले बस गोती दिल के सर वहाँ से नॉन लिए ला ऐज ना ऐते तो सटलिए का बजना सुतार का बला पर धरबे गाड़ी पर बस लाओ एकदम साफे का एक धक्का मार कोने उंटी। आप लोग जेतिए नाथनगर बुला गाड़ी करी जेतिए सर। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? अमरी बिशनपुर से दूध अथी मिर्जापुर से। भागलपुर के सह मार्केट, जिसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का हब भी माना जाता है, में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब लोगों ने एक दुकान और गोदाम में तेजी से धुआं उठते देखा। मार्केट के गली में स्थित पैनासोनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान और गोदाम में आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने दुकान संचालक मोहम्मद इब्रार और फायर ब्रिगेड की टीम को दिया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम एक बड़ी गाड़ी और एक छोटी गाड़ी के साथ घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस दौरान दुकान और गोदाम में रखे लाखों रुपये मूल्य के सामान जलकर खाक हो गए। गनीमत यह रही कि इस हादसे के दौरान कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। भागलपुर में जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलने से आक्रोशित बाढ़ पीड़ितों ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के समीप सड़क जाम कर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते हुए जमकर बवाल काटा। इस दौरान आंदोलनकारियों ने भागलपुर नाथनगर मुख्य मार्ग को बैरिकेडिंग कर घंटों आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि वे सभी नाथनगर प्रखंड के दिलदारपुर और शंकरपुर चवनिया पंचायत के देरा क्षेत्र के अलग अलग गांव में गंगा का पानी फैल जाने के बाद रविंद्र भवन में आकर शरण लिए हुए हैं। एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद जिला प्रशासन के द्वारा उनकी सहायता के लिए कुछ भी उपाय नहीं किया गया है, जिस कारण उनके सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ ही कीड़े मकोड़े बिच्छू और सांप का डर भी बना हुआ है। 3 दिन पहले ही नाथनगर सीओ स्मिता झा उन सबों को सहायता पहुंचाए जाने का आश्वासन देकर गई थी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सहायता जिला प्रशासन से उन्हें नहीं मिली है। 15 दिन से हम रहा था, कुछ नहीं नगर का आता है, नगर 15 दिन कोई भी प्रशासन सीओ साहब कोई भी कुछ नहीं सुनता था। इस कारण से हम नगर के कुछ व्यवस्था के लिए हम नगर के मैम को फोन करते हैं, बोलता है क्या अभी तुम लोग को तो अभी 12 घोषित नहीं हुआ, तुम लोग के अभी जिला से हमको ऑर्डर नहीं दिया गया, तुम लोग को क्या दें? पूरा अनाज पानी भीन चुका है और हम लोग को तो ना तो पंडाल का सुविधा दिया गया, लाइन तो मरकरी जोड़ दिया लेकिन जनरेटर का सुविधा नहीं, इसलिए कि हम लोग को लैंड जो कटा तो हम लोग रात में अंधेरे में और बारिश के में जो पंडित टांगे थे पंडित पूरा टूट फूट के हम लोग भीनते रात भर वाले बच्चा समय काटे, इसलिए हम सर आज रोड जाम किए थे। सीओ साहब आए बोले कि सब कुछ सुविधा दे रहे हैं, PhD द्वारा हम लोग बाथरूम बनवा रहे हैं वो भी नहीं बना है, बोला जिला प्रशासन द्वारा हम पानी का टैंकर बनवा रहे हैं वो भी नहीं आया है। वहीं बाढ़ पीड़ितों के द्वारा जाम की सूचना मिलते ही नाथनगर अंचलाधिकारी स्मिता झा, विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष श्रीकांत चौहान और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाए जाने का आश्वासन देकर जाम को तुड़वाया। सीओ ने बताया कि सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है, जल्द ही बाढ़ पीड़ितों को सरकार के द्वारा मिलने वाली सभी सुविधाएं बहाल कर दी जाएंगी। निर्माण नहीं करवाया जाएगा, तत्कालीन से उन्हें पॉलिथीन शीट के लिए बोला गया था कि मेरे पास है, वो तो बना के चल रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो पॉलिथीन शीट अंचल कार्यालय से आकर ले सकते हैं, कुछ लोगों ने लिया है और कुछ लोगों ने नहीं लिया है, वो भी आगे।
सामुदायिक रसोई चालू करना। देखिए सामुदायिक रसोई का जब तक हमारे पास आदेश नहीं आएगा, जिला प्रशासन के द्वारा बात की घोषणा नहीं की जाएगी, तब तक हम उसको नहीं चला सकते। डीएम साहब से कल बात हुई थी हमारी, तो डीएम साहब बोले थे कि हम सर्वेक्षण करवा रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं, उसके बाद प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक क्या आप लोग सर्वे का लिस्ट भेज दिए? बिल्कुल, हम लोग प्रतिदिन प्रपत्र भेजते हैं, जो भी जितने भी लोग नए लोग यहाँ पे आके रहते हैं उसका हम लोग डिटेल भेज देते हैं। क्या उम्मीद करें यहाँ के लोग, बाढ़ पीड़ित जो हैं, कब तक यहाँ पर समुदाय हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है और रहेगा? कब तक भी उनकी सुविधा, जो भी उनकी दिक्कतें हैं उसका निराकरण किया, हैंडपंप को मरम्मत करा दिया गया, वो चालू अवस्था में है जी। और चलन शौचालय भी नहीं होता, कहना क्या है लोगों का, तो कहना है कि शौचालय आता है, नहीं कहा है। एक बार बताएं किसने कहा है, बताएं। मैम सभी बातों पर आपके द्वारा कहा जा रहा है कि आ रहा है, आ रहा है, चार लाइट नहीं जल रहा है मैडम, केवल बिजली दे दिया गया है, लाइट जल रहा है, एक बार पता कर लीजिए आप। नहीं, लोग बोल रहे हैं कि मरकरी नहीं जल रहा है, जनरेटर जब बिजली नहीं होगा, बारिश कट गया होगा तब नहीं जल रहा है। मैम जो सबसे आवश्यक सुविधा है वो खाने की है, कहना उचित नहीं होगा कि कुछ भी सुविधा इनको नहीं दी गई है। तीन दिनों में बिजली का कनेक्शन जोड़ दिया गया है, हैंडपंप की मरम्मत करा ली गई है, वो अभी चालू अवस्था में है, पानी का टैंकर भी आ रहा है, किस कारण से आज नहीं आ पाए पता कर लेते हैं हम। और शौचालय के लिए च्वलन शौचालय जो MGD की तरफ से आता है, नगर निगम की तरफ से वो आया था, वो आता है, और PHD के द्वारा और अस्थायी शौचालय का निर्माण कराया जाएगा, वो भी प्रक्रिया में है। बाकी इनका जो और इनका कहना है कि जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं, कोशिश करेंगे तो जल्दी करा देंगे। कॉल किया गया था मैम, उन्हें इल्जाम लगाया गया है कि आपका कहना है कि पिकनिक मनाने के लिए। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के बाद भागलपुर के सबौर प्रखंड के घोसपुर में भागलपुर कहलगांव मुख्य सड़क पथ NH 80 पर बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण लाखों की आबादी प्रभावित होते दिख रही है। जिस तरह बाढ़ के कारण तेजी से सड़क का कटाव हो रहा है, भागलपुर का कहलगांव और पीरपैंती से संपर्क टूटने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। स्थानीय लोग जिला प्रशासन से अविलंब राहत कार्य चलाकर सड़क को सुरक्षित रखने की मांग कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बैरिकेडिंग लगाकर NH 80 पर बड़ी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। साथ ही एक दिन पूर्व सड़क को बचाने को लेकर पथ निर्माण विभाग के द्वारा NH 80 को बचाने को लेकर रेत की कुछ बोरियां दी गई थी, जो कटाव को रोकने के लिए नाकाफी साबित हो रही है। पानी हो रही है, ऐसा भी हो सकता है अभी ऑटो गई मेरे सामने गई, हो सकता है घस जाए, बह जाए, कुछ भी खतरा है यहाँ पे, बहुत खतरा है। क्या चाहते हैं प्रशासन? प्रशासन से यही चाहते हैं कि रोड बन जाए बढ़िया से, और एक दो पुल चाहिए यहाँ, और एक दो पुल चाहिए और रोड बन जाए, और बाकी डूबे हुए जितने भी गाँव के हैं सबको सुरक्षित जगह पर ले जाके उनका खाना पीना सब मुहैया कराया जाए, बन जाए। इसमें जो है ना पुल चाहिए यहाँ पे, एक्स्ट्रा पुल चाहिएगा तब उसका ब्रेक कम होगा, नहीं तो ये पूरा खर ही देगा, पूरा आजम पब्लिक को पूरा त्रहीमान हो गया। कुछ देख रहे हैं आने जाने वालों को, देख लीजिए कोई गिरते पड़ते हुए आते हैं, डबल लोडिंग नहीं हो सकता है, किसी से गाड़ियाँ फंस रही हैं, चार चक्के बड़ी गाड़ियों को रोक दिया गया है, कल से यहाँ पर ज़्यादा पानी चढ़ गया है। यहाँ पर तो आसपास में अभी देख रहे हैं उस साइड के बोरी वगैरह भर करके रख दिए हैं, तो कुछ अभी रुका हुआ है रोड, अगर वो ख़त्म होता है तो हमें दिक्कत होता है, ये ख़त्म हो गया रहता। बहुत अधिक परेशानी इधर के लोगों को, बहुत अधिक परेशानी है, आना जाना सारा चीज़ ठप हो चुका है। कब से पानी घुसा है रोड पे? पानी घुसा है कल परसों से पानी घुसा है, आते आते आज कल तो रेपरी भी क्या कुछ किया था ना, कल रेपरी भी कुछ किया था, उसके बाद आज इतना पानी कम चला पा रहा है। आज रेपरी नहीं करेंगे ना और पानी बढ़ जाएगा। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण पीरपैंती प्रखंड की दियारा क्षेत्र के कई गांव जलमग्न हो गए। वहीं एकाएक पानी बढ़ने से दुर्घटनाएं भी लगातार घटित हो रही है। वहीं पीरपैंती थाना क्षेत्र के मानिकपुर दुर्गा स्थान के पास बाढ़ के पानी में
नहाने के दौरान मोहम्मद कैफ उम्र लगभग 17 वर्ष की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से सब को बाहर निकाला गया। मृतक अपने नानी घर पीरपैंती बाजार में रहा करता था। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पीरपैंती पुलिस ने सब को परीक्षण के लिए मायागंज भागलपुर भिजवाया। घटना से आहत मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं दूसरी घटना में परशुरामपुर पंचायत के अठनिया निवासी राहुल कुमार की माधोपुर में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। लगातार घट रही घटनाओं से लोगों को सबक लेने की जरूरत है कि बाढ़ के पानी में नहाने से परहेज करें ताकि कोई अनहोनी ना हो। भागलपुर जिले में बौराई गंगा के कहर से लोग कराह रहे हैं। जिले के कई प्रखंड इसकी चपेट में आ चुके हैं। गंगा ने सबौर प्रखंड में भी अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। सबौर के नवटोलिया चौक, बाबूपुर, रजंदीपुर, घोसपुर सहित कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं और यहां रहने वाले लोग ऊंचे स्थान पर अपना आशियाना बना रहे हैं। वहीं केवल सबौर प्रखंड में लगा हजारों एकड़ फसल बाढ़ के पानी में बर्बाद हो चुका है, जिससे आम लोगों के साथ किसान भी परेशान दिख रहे हैं। वहीं बाढ़ से भयभीत ग्रामीण ऊंचे जगहों पर पलायन करते भी दिखे। सुल्तानगंज प्रखंड के 8 पंचायतों में बाढ़ की स्थिति विकराल होती जा रही है। लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि और बारिश के कारण प्रखंड के 2 दर्जन से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं। अकबरनगर, किशनपुर, खेरैया, तिलकपुर, गनगनिया, कमरगंज, चिचरौन, आसियाचक में बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा सुल्तानगंज बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, अंचलाधिकारी शंभू शरण राय, पूर्व विधायक फरिंद्र चौधरी, राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मेराज, नगर अध्यक्ष नट बिहारी मंडल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने किया। घरों में बाढ़ का पानी चले जाने के कारण लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हैं। सुल्तानगंज भागलपुर मुख्य मार्ग पर कई जगह NH पर पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है। BDO ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाके में लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन से पशु चारा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। वहीं अंचलाधिकारी शंभू शरण राय ने बताया कि महेशी पंचायत और तिलकपुर पंचायत में तत्काल नाव का परिचालन शुरू कर दिया गया है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों के रहने के लिए जगह चिन्हित किया गया है। जिला प्रशासन के आदेश के बाद सभी बाढ़ पीड़ितों को हर तरह की सुविधाएं दी जाएगी। भागलपुर जिले के बाढ़ और कटाव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद प्लुरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्लुरल्स पार्टी की नेत्री ने कहा कि बिहार में सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बाढ़ और कटाव प्रभावित क्षेत्रों में ना तो सरकार दिखाई देती है और ना ही आपदा काल में मिलने वाले सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। सरकार और नकली नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं, जिसके बाद 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। वहीं पुष्पम प्रिया चौधरी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेषों को देखने के बाद इसकी उपेक्षा पर दुख व्यक्त किया। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और नए नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर विकसित करने की मांग की। राष्ट्रीय राजमार्ग 80 की दुर्दशा पर प्लुरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने नीतीश कुमार को चुनौती दिया कि वे सड़क मार्ग से पटना से कहलगांव पीरपैंती जाकर दिखाए, तब उन्हें बिहार के किसी कोने से राजधानी पटना 5 घंटे में पहुंचने के दावा का पता चलेगा।